ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नूरपुर के सुल्याणी पंचायत में सरेआम स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। पंचायत घर के गेट के बिल्कुल साथ किसी की पुरानी दुकान के सामान का ढेर लगा हुआ है, जो कि सरेआम स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है। एक तरफ पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं सुल्याणी पंचायत घर के पास लगा ढेर स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहा है। नूरपुर के सुल्याली पंचायत में सरेआम स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। पंचायत घर के गेट के बिल्कुल साथ किसी की पुरानी दुकान के सामने ढेर लगा हुआ है, जो सरेआम स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है। एक तरफ पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं सुल्याली पंचायत घर के पास लगा ढेर स्वच्छता के अभियान की पोल भी खोल रहा है। जब इस बारे में सुल्याली पंचायत की प्रधान किम्मी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पंचायत घर के बाहर जो सामान का ढेर फेंका हुआ है, उसके बारे में उक्त व्यक्ति को कई बार बोल चुके हैं, पर उसने अभी तक सामान नहीं उठाया है। पंचायत द्वारा उक्त व्यक्ति को सामान उठाने का नोटिस भी दे दिया गया है। तो जी, ये गलत है, ये जो मटेरियल फेंका हुआ है, ठीक है, स्वच्छता की ओर जो अभी अभियान चला हुआ है वो बिल्कुल सही है। हमें अपने गांव को स्वच्छ रखना चाहिए, और कुछ दिन पहले ये जो मटेरियल फेंका गया है, हमने उनको वर्बली भी बोला है कि यहाँ से ये मटेरियल उठवा लें। उन्होंने ये मटेरियल नहीं उठवाया है, और हमने आज ही पंचायत की ओर से उनको नोटिस भेजा है ताकि इस मटेरियल को यहाँ से उठा सकें। पंचायत के उप प्रधान नरेश कुमार ने बताया कि यहाँ पर स्थित खोखे का मलवा पंचायत घर के बाहर फेंका हुआ है। पिछले कल भी इस बारे में चर्चा की गई थी, पंचायत द्वारा नोटिस निकाला गया है और फिर भी मलवा नहीं उठता है तो पंचायत कड़ी कार्रवाई करेगा। सर, यहाँ बस अड्डे का सौंदर्यकरण वगैरह किया जा रहा है, और उसी के चलते पिछले 4-5 महीनों से यहाँ एक खोखा, जिसे कहते हैं अपनी भाषा में, बंद पड़ा था। और जब भी ये कार्य आरंभ हुआ तो ये तो मुझे मालूम नहीं किसने ये उखाड़ा है, लेकिन ये बहुत दिनों से बंद पड़ा था, और उसका मलबा जो है काम के चलते यहीं पे फेंका गया। और कल 2 अक्टूबर था, स्वच्छता अभियान पे भी चर्चा हुई, और सामने जो हमारे मुख्य द्वार पे कूड़ा कर डाला था उसके लिए मैंने सेक्रेटरी साहब से बात की है, और जल्दी ही उस व्यक्ति को जिसका ये सामान है उसको नोटिस भेजा जाएगा, और वो अगर नहीं उठाते तो फिर पंचायत इस पे कड़ा संज्ञान लेगी। वहीं लोक निर्माण विभाग के SDO सुखविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ था, जो कि विभाग द्वारा उखाड़ दिया गया है। उक्त व्यक्ति द्वारा सामान पंचायत घर के बाहर रख दिया गया था, वो सामान हमारे एरिया में नहीं है, वो पंचायत की जगह पर पड़ा हुआ है। ये ऐसा घरक है, वहाँ पे गोदमन थी खोखे की, तो हमने वो गोदमन युवा को खत्म कर दिया, और उसके जो उसका मालिक था उसकी कंसर्न से किया, उसी ने अपना खोखा अपने आप वहाँ से उठा दिया उसको बोलने का। उसके बाद उसने अपना जो सामान है वो पंचायत की जगह में रखा हुआ है, तो वो हमारा तो यूरिडिक्शन के बाहर है, हमारी यूरिडिक्शन की जगह में सामान नहीं पड़ा हुआ। अगर वो कचरा होता, कुछ गार्बेज होता, तो फिर कहीं भी होता वो हम उठा लेते, लेकिन वो उसका यानी कि उसकी दुकान का सामान है, वो तो वो वैल्यूएबल सामान है, तो उसको हम नहीं उठा सकेंगे। वो जो प्रधान ई ग्राम पंचायत प्रधान जो है वही उसको बोले, जो मालिक है कि वो अपना वहाँ से उठा ले। वहीं वार्ड सदस्य सुनील कुमार ने बताया कि ये खोखा किसी राजनीति से संबंधित व्यक्ति का था, जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा उखाड़ा गया है। इन्हें इसे उठाने के लिए बोला गया था, पर इन्होंने आज तक नहीं उठाया है और उठाने से भी मना कर दिया है। देखिए, स्वच्छता अभियान अंतर्गत के जो है ना जी, ये पूरे देश में चला हुआ है, ग्राम पंचायत स्तर पर भी चला हुआ था। एक्चुअली ये है ना, ये बाहर PWD का कंस्ट्रक्शन काम चला गया है, अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चला हुआ बस स्टैंड का, तो यहाँ पे ये जो एक कांग्रेस अपना महिला जो अध्यक्ष है नूरपुर की, सुरेखा देवी, उनका ये जो अब एक दो ये खोखा था यहाँ पे, जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था। बाकी जब PWD का जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बस स्टैंड का कार्य चला, तो उन्होंने वो उखाड़ के उनको बुला के उखाड़ के उनके वहाँ से उठा के यहाँ से दूसरी तरफ गेट के साइड में लगा दिया था। बस इतना था, उनको इन्होंने बोला भी था कि यहाँ से उठाओ, लेकिन वो वापस घर में चले गए कि दे लेंगे आपको कैसे। बाकी तो सर इतना ही है, बाकी तो
खैर ये तो स्वच्छता अभियान के विरुद्ध जा रहा है, क्योंकि ये गलत है कि अगर किसी के अपने घर का कूड़ा उठा के किसी घर के आगे फेंकना, वो तो गलत बात है जी।